नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीजे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ दीपांश शुक्ला। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम समस्त लोग आज इस दिन को धूमधाम से मना रहे हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर हिमालय क्षेत्र में स्थानीय तौर पर पाई जाने वाली और IUCN की लाल सूची में शामिल संकट ग्रस्त प्रजातियों समेत राज्य में संरक्षित की गई है, जिसमें 1576 पादप प्रजातियों की एक सूची जारी की है। मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि वार्षिक तौर पर संरक्षित पादप प्रजातियों की सूची जारी करने की परंपरा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश है। प्रदेश में लगातार दूसरे साल ऐसी सूची जारी की गई है। सूची में शामिल 53 प्रजातियां उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र की स्थानीय हैं, जबकि संरक्षित किए गए करीब 500 पादप औषधीय गुणों से भरपूर है। चतुर्वेदी ने कहा कि वृक्षों को काटे जाने, वनाग्नि और निर्माण कार्य के चलते चिंताजनक दर से विलुप्त हो रहे पादपों की दृष्टि से यह पहल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम हल्द्वानी के मेयर और कुछ पार्षदों द्वारा कालाडूंगी चौराहे में स्थित डिवाइडर पर पौधारोपण करवाया गया। इस मौके पर मेयर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रौतेला का कहना है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी अति आवश्यक है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सर्वप्रथम तो सभी को बहुत बहुत बधाई, और इस दिवस में हम लोगों ने संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को और संरक्षित करेंगे और जिम्मेदारी के साथ इसको अक्षुण्ण रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे भी हम हिमालय राज्य के लोग हैं, तो हमारी और ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस हिमालयी राज्य को और खूबसूरत रखें और इसको पर्यावरण की दृष्टि से अक्षुण रखें। जहाँ तक विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्य निगम द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, संस्थाओं द्वारा जो किया जा रहा है उसको हम कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को पर्यावरण दिवस की बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। सोच हम लोग बिल्कुल लेके आए, हम लोग गिलोय के पौधे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि औषधि प्लांट है, इससे बहुत सारे गुण हैं। इससे पहले डेंगू फैला था, अगर हम मॉर्निंग में इसे खाली पेट लेते तो बहुत सारे इसके प्रॉफिट हम लोगों को फ़ायदे होते हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधों का संरक्षण करें, वृक्षों को लगाएँ और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर इस धरा को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें। हम लोगों ने जो पेड़ काटे हैं, जो एक भूल करी है, वो हमें अब सुधारनी होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा करके विश्व को जो है अपने ये संदेश देना चाहिए कि हम प्रकृति के ही नज़दीक रहेंगे तभी हम फल फूल पाएंगे, पनप पाएंगे। जिस तरह का ऑक्सीजन वगैरह की जो है वो हो रही थी, हमें आवश्यकता इस दौर में पड़ी थी, और ऑक्सीजन इतनी हमारी जो है ज़रूरत की चीज़ बन गई। इससे अब पता चल रहा है लोगों को कि हाँ, हमारे नीम, तुलसी, हमारे बड़े वट वृक्ष जो है बरगद और हमारा पीपल, ये ऑक्सीजन देने वाले ऐसे प्लांट हैं कि जिनको हम जो है नष्ट ना करके, अगर हमारी आवश्यकता है कहीं पे हटाने की तो हम हटाते हैं, तो उसके हम 10 गुना 20 गुना पौधों को लगाएं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में विश्व में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली, तो वहीं पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण को संरक्षण देना कितना ज़रूरी है, इस बात को लेकर हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज के कार्यकर्ताओं ने राजकीय इंटर कॉलेज राजपुरा में पौधारोपण किया। जहां पौधारोपण कार्यक्रम में स्कूल के अध्यापकों ने संस्था का साथ दिया, तो वहीं इस मौके पर उन्होंने लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। जिन्होंने हमारे इस विद्यालय परिसर में फलदार, छायादार और पुष्पदार वृक्षों का पौधारोपण किया, और इनके द्वारा जो ये जो प्रकृति को संरक्षण का जो अभियान चलाया जा रहा है वो बड़ा ही एक सराहनीय कार्य है और हमारे पर्यावरण के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।